अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से, शुक्र अल्लाह ताला का। तो आज मैं आपके लाया हूँ एक स्वीट सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे सोयाँ। तो सोयाँ अच्छे तो हर घर में बनती हैं, हर किसी का बनाने का अपना तरीका होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से सोयाँ बनाते हैं। इंतहाई ईजी रेसिपी है, बहुत मतलब कि शॉर्ट टाइम में बन जाएगी। तो 1 किलो दूध की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। जी नाज़रीन, तो 1 किलो दूध था मेरे पास। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, फिर हम इसमें सोया ऐड करेंगे। जी नाज़रीन, देखें दूध को उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें सोया ऐड कर रहे हैं। हमने सोया तोड़ लेनी है और सोया डाल के तो आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, नहीं तो सोया एक साइड पर एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो एक अजीब सी चीज़ बन जाती है। फिर सोया हमने इसमें ऐड कर ली, अब हम इसको हिलाते रहेंगे। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये दूध सोया और दूध एक जन हो जाए। अगर इसको आप तेज़ आंच पे पकाते हैं तो दूध आपका खुश्क हो जाएगा और सोया आपकी एक जन नहीं होंगी, तो बेहतर है आप इसको हल्की आंच पर ही पकाएं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दूध बिगड़ा हो गया और सोया ये बिल्कुल एक जान हो गई है दूध के साथ बिल्कुल। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन हमने इसमें 2 चम्मच ऐड किए चीनी के, 2 कप चीनी की, सॉरी। तकरीबन रेडी हो चुकी है। जी नाज़रीन, तो देखें तकरीबन ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जिस जिसने भी खानी है वो आ सकता है, सबको खुले दिल से दावत है। ये कुछ हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें एतराज़ करते हैं कि आप अपनी रेसिपी बना के खुद ही खा जाते हैं, हमें नहीं शेयर करवाते। तो भाई जी देख लें, सबको दावत है, जो भी आना चाहे आ जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल रेडी हो गई है, अब हम इसे डाल लेते हैं बाउल में। जी नाज़रीन, तो हमारी सोयाँ बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। ऐसे मैंने डिश आउट कर लिया था। तो जिन लोगों ने भी ये रेसिपी सीखनी है तो उनके लिए एक एडवाइस है कि आप सोयों को पहले ठंडा होने दें, उसके ऊपर एक मलाई की लेयर आने दें, उसके बाद आप उसे गार्निश करें। तो गार्निश के लिए मेरे पास है कोकोनट है, आलमंड है और पिस्ताशियो है, मींस पिस्ता। तो अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है मैं कमेंट्स में लाजमी बताएँ। आप हर दफ़ा भूल जाते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो लाजमी चैनल जो है अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और हमारी वीडियो को शेयर भी करें। जी नाज़रीन, तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ और नई एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।